झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि आगामी 26 अप्रैल 2022 को रबदा पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी रेणु देवी बिना नामांकन जुलूस के सादे तरीके से प्रखंड कार्यालय नवा प्रचार में नामांकन करेगी। उन्होंने कहा है कि 26 अप्रैल को नामांकन से पूर्व रबदा लकड़मुड़ी स्थित परम पूज्य बोधिस्तु बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के बाद नामांकन के लिए प्रस्थान करेंगी। जेकिम संस्थापक ने कहा है कि इस बार रबदा पंचायत की जनता के सच्चे और सबसे अच्छे मुखिया प्रत्याशी के तौर पर रेणु देवी नामांकन के बाद घर घर जाकर एक वोट एक नोट और दिल से सपोर्ट अभियान चलाकर 5 साल के लिए जनादेश की मांग करेगी। अंत में उन्होंने कहा है कि जनता के भावनाओं के अनुरूप सबका साथ लेकर रबदा पंचायत के सभी गाँवों का सर्वांगीण विकास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बार रिकॉर्ड मतों से हमें विजय बनाकर सर्वांगीण विकास की अवधारणा को जमीन पर उतारने का मौका जनता देगी।